आज मेरे हबी का बर्थडे है, विश हिम अ हैप्पी बर्थडे। आज उनका बर्थडे है तो हमने सोचा कि चलिए आज कुछ स्पेशल बनाया जाए, क्योंकि एक फ्रेंड है, उनकी फैमिली भी बोल रही है कि हमें आपके हाथ का अंडा बिरयानी खाना है। तो आज मैंने सोचा कि चलिए मैं अंडा बिरयानी ही क्यों ना बना लूँ। अब मेरा व्लॉगिंग का व्लॉगिंग हो जाएगा, आप लोग को मैं एक रेसिपी भी शेयर कर पाऊँगी और मेरा गेस्ट के लिए अंडा बिरयानी भी बन जाएगा। सॉरी, गेस्ट तो आ नहीं रहे हैं क्योंकि जिन्होंने बोला है उनकी है तबीयत थोड़ी सी ख़राब, तो उन्होंने बोला है कि भाभी प्लीज़ आप मेरे घर में भिजवाइए बना के। तो मैं आज लग गई हूँ अंडा बिरयानी बनाने में। यहाँ अंडा बॉईल हो रहा है, यहाँ मैंने कढ़ाई रख दिया है, इसमें अभी मैं तेल गरम करके ये कटे हुए प्याज को मैं गोल्डन ब्राउन कर लूँ, फिर मैं आपको सारा प्रिपरेशन दिखाती हूँ कि मैं अंडा बिरयानी कैसे बनाती हूँ। तो चलिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा, कहीं नहीं जाना। तो चलो मैं आपको इंग्रेडिएंट तो बता दूं कि मैंने क्या क्या लिया है, ये तो मैंने बताया ही नहीं। तो ये मैंने लिया है अदरक लहसुन, लहसुन को मैंने छील लिया है और अदरक, ये मैंने कोरिएंडर लिया है, धनिया पत्ती, और ये मैंने लिया है कोयला, क्योंकि मैं बना रही हूँ अंडा दम बिरयानी इसलिए मैंने ये कोयला लिया है, और ये प्याज के छिलके, ये एंड में हमारे काम आएंगे। ये दो प्याज बच गए हैं और ये यहाँ मैंने प्याज फ्राई करने के लिए रख दिया। इसे मैं तब तक फ्राई करूँगी जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो चलिए इसे हम गोल्डन ब्राउन होने देते हैं, बाकी अंडा बॉयल हो जाता है तो मैं इसे छिल उल के प्रिपेयर कर लेती हूँ। सो यहाँ देखिए मेरा प्याज आधा कुक हो चुका है, गोल्डन ब्राउन नहीं हुआ है बट आधा कुक हो चुका है। सो इसमें से मैं थोड़े प्याज निकाल के हमारे अदरक लहसुन में डाल लूँगी, क्योंकि मुझे इसका बनाना है पेस्ट। तो ये मैं थोड़े से प्याज निकाल लेती हूँ और इधर इसमें अदरक लहसुन में डाल देती हूँ, थोड़ा तेल के साथ भी आ जाएगा तो अच्छा रहेगा। थोड़ी नीचे गिर गए देखिए। तो चलिए आज तो मेरे हबी खुश हो जाएंगे और उनके फ्रेंड भी खुश हो जाएंगे कि चलो भाभी ने मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी। तो चलिए अब इसको हम होने देते हैं अच्छे से गोल्डन ब्राउन। थोड़ा और डाल देती हूँ, ये निकल गए, अब इसे हम गोल्डन ब्राउन होने देते हैं। जब तक ये गोल्डन ब्राउन होता है मैं अपना अदरक लहसुन और प्याज का पेस्ट बना लेती हूँ। चलिए ये देखिए मेरा प्याज बहुत अच्छे से ब्राउन हो गया है, आप देख सकते हैं वो गर्म है यार, बहुत अच्छे से ब्राउन हो चुका है। तो अब चलिए मैं बाकी का प्रिपरेशन करूँ, मेरा एग भी बॉयल हो चुका है। चलिए मैं पहले ये सब मसाले पीस लेती हूँ, अंडा छील लेती हूँ, फिर मैं उसके बाद आपको मैरिनेट करने का तरीका बताती हूँ। सो फ्रेंड्स, ये रहा दही, ये रहा मेरा अदरक लहसुन प्याज और मैंने इसमें थोड़ा सा पुदीना डाल दिया, तो ये उसका पेस्ट रेडी हो गया है। मैंने हरी मिर्च नहीं डाली है क्योंकि मेरे यहाँ तीखा नहीं पसंद करते मेरे हस्बैंड, तो मैंने इसमें हरी मिर्च नहीं डाली है। अगर आपको तीखा पसंद है तो आप इसमें हरी मिर्च डाल सकते हैं। तो अब ये सारा मसाला मैं इसमें डाल के अच्छी तरह से नमक और मिर्ची और धनिया पाउडर और बिरयानी मसाला डाल के मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। चलिए तो इसे मैं मिक्स करके आपको दिखाती हूँ। चलिए पहले मैं इसमें थोड़ा सा दही डाल दूँ, मैंने डाल दिया दही। अब मैं इसमें डालती हूँ हमारा बिरयानी मसाला, थोड़ा सा मिर्ची पाउडर एक चम्मच जैसा डाल दूँगी, क्योंकि हमारा चावल भी ज़्यादा है, 1 किलो चावल है, तो मैं क्या हम लोग क्या थोड़ा मसाला कम ही खाते हैं, ये थोड़ा मैं डाल देती हूँ। धनिया पाउडर ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, मैं डाल देती हूँ धनिया पाउडर। अब इसमें हम डालेंगे हमारा ये पेस्ट और अच्छे से इसे हम मिला लेंगे, और नमक भी डालना है तो चलिए नमक भी डाल लूँ, मेरा हाथ आज बहुत जलने वाला है। तो ये हो गया, देखिए इसमें मैं नमक मिक्स कर देती हूँ। नमक डाल के इसे अच्छे से मैं रख देती हूँ आधा घंटा मैरिनेट होने के लिए, तब तक मैं बाकी के प्रिपरेशन कर लूँ।
देखिए मैंने बहुत अच्छे से मैरिनेट कर दिया है। अब मैं इसे ढक के रख देती हूँ आधा पौन घंटे के लिए। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने पानी रख दिया है बॉईल करने के लिए चावल के लिए अपने। इसमें मैंने सारे खड़े मसाले डाल दिए हैं। खड़े मसालों में मैंने डाला है बड़ी इलायची, लौंग, दालचीनी, जीरा और काली मिर्च। ये जब पानी अच्छे से बॉईल हो जाएगा तो मैं इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर दूंगी और फिर मैं इसमें चावल ऐड कर दूंगी। मैंने दो गंजी रखा है क्योंकि मेरे यहाँ इतना बड़ा तपेली एक ही है, तो इसीलिए मैंने दो तपेली रख दिया है कि इसमें चावल हो जाए तो फिर मैं बड़े वाले में मेन प्रोसेस अपना स्टार्ट करूँ। तो चलिए देखिए, पानी बहुत अच्छे से बॉईल हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी चावल और थोड़े से ऊपर से मैं नींबू का रस ऐड कर दूंगी। तो चलिए मैं कर लेती हूँ, फिर अपने चावल मेरे जब हो जाते हैं तब मैं आपसे मिलती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ मेरे चावल हो चुके हैं, तो चलिए मैं इस चावल को निकाल लूँ थोड़े फैले हुए बर्तन में, फिर उसके बाद हम आगे का प्रोसेस करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए मेरे चावल हो चुके हैं, चलिए जल्दी निकाल लूँ, हलवा हो जाएगा। तो ये देखिए मेरा अंडा मैं तल रही हूँ, हल्का ही तलना है, एकदम इसको ब्राउन टाइप का नहीं करना है। इसे मैं बार बार इसे चलाती जा रही हूँ कि कुछ वो जो फुलफुले टाइप के होते हैं ना, वो नहीं होने चाहिए अंड में, वो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता और स्वाद भी उतना अच्छा नहीं लगता है। तो मैं इसे चला चला के ही तलूँगी। देखिए मैंने इसमें कट्स भी मारे थे तो वो भी अच्छे से दिख रहे हैं और मसाले इसमें बहुत अच्छे से मिक्स हो गए होंगे क्योंकि आधा पौन घंटा तो मैंने रखा ही था। फ्रेंड्स, यहाँ मेरा सारा चीज रेडी हो चुका है। अब मैं इसको दम के लिए प्रिपेयर करने जा रही हूँ। तो ये है हमारा राइस, इसे हम थोड़ा थोड़ा निकाल, हट जाओ बेटा हट जाओ, थोड़ा थोड़ा निकाल के इसमें से ऐसे हमें स्प्रेड करना है। ये मैं आपको पूरा दिखाऊंगी, एक भी स्किप नहीं करूंगी, भले वीडियो लंबा हो, मैं आपको बहुत अच्छे से दिखाना चाहती हूँ। क्यों गरम है बेटा, ना करो। और ऊपर देख लीजिए, एक जगह मेरा कोयला जल रहा है और एक जगह मैंने तेल गरम करने के लिए रखा है इसमें दम के लिए। ऑयल ज्यादा नहीं लगता इसमें, लोग बोलते होंगे बिरयानी में ऑयल ज्यादा लगता है, बट ऑयल ज्यादा नहीं लगता है। मुझे दो ही लेयर बनाना है इसलिए मैं फर्स्ट लेयर में ज्यादा डाल रही हूँ, फिर बाद में हम इसको मिक्सअप कर लेंगे। देखिए चावल बहुत खिले खिले हैं, मैं चाह रही थी कि आधा पक कुक हो, मगर बाई मिस्टेक पूरा कुक हो गया है। तो मैं दम के लिए ज्यादा देर नहीं रखूंगी, कि अगर मैं दम के लिए ज्यादा देर रखी तो ये हो जाएगा हलवा, इसलिए मैं इसे दम के लिए ज्यादा देर नहीं रखूंगी। बेटा आप जाइए, गर्मी हो रही है, जाइए आप, चलिए। क्यान को तो बस हमारे पीछे ही रहना होता है, मम्मा पापा जहाँ वहाँ क्या। चलिए ये हो गया। अब ये जो मैंने प्याज गोल्डन ब्राउन भून के रखे थे, ऐसे स्प्रेड कर देना है हमको इसमें थोड़ा। अब जो हमने ग्रेवी बनाया है वो मैं इसको पूरा ही डाल दूंगी। मैं कैन हट जाओ, इसे भी फैला फैला के डालना है। सेम चिकन बिरयानी भी ऐसा ही बनेगा अगर आप बनाना चाहें तो। कोई कोई साथ में कुक करते हैं तो वो एक प्रोफेशनल होते हैं तो वो कर लेते हैं, मैं तो चिकन बिरयानी भी ऐसे ही बनाती हूँ। तो मैं एक ही लेयर करूँगी, ज़्यादा मसाला वाला कोई पसंद ही नहीं करता हमारे यहाँ भी, और जिन्होंने बोला था कि हमको बिरयानी खिलाना वो लोग भी नहीं पसंद करते हैं। तो ये देखिए ये हो गया। अब कोरिएंडर मैंने कट करके रखा था, उधर देखिए कितना फ्लेम हो रहा है। चलिए मैं गैस बंद कर देती हूँ, एक गैस बंद कर देती हूँ मैं। मेरा तेल बहुत अच्छे से हो चुका है, इसमें दम बहुत अच्छे से लगेगी। अब ये दूसरा राइस भी मैं डाल दूँ क्या? बेटा दूर हो जाइए आप, गम है।
अच्छे से फैला के ही चावल हमेशा डालना चाहिए। और हमेशा बिरयानी बनाओ तो बड़े बर्तन में बनाओ, तभी अच्छा बनता है। ये हो गया, गरम है। ये बना ले लूं मैं, एग को मैं दूसरे में कर देती हूँ, एग में इसमें डाल देती हूँ फिलहाल। मेरे बेटा इंग्लिश बोल रहा है, आप लोग भी उससे इंग्लिश में बात करिए भाई। बहुत गर्म है चावल, बहुत गर्म है। ये हो गया, ऐसे में थोड़ा ये देखिए, ये हो गया है। अब बचे हुए जो प्याज है मैं इसमें थोड़े ही डालूंगी, थोड़े मैं छोले के लिए रखूंगी। मैं परसों छोले बनाने वाली हूँ तो छोले के लिए रखूंगी थोड़ा सा। मैं उसको ग्रेवी बनाओ तो बहुत अच्छा लगता है। ये हो गया हमारा प्याज और ये बचे हुए कोरिएंडर। ये है बादशाह की बिरयानी मसाला जो मैंने थोड़ा सा बचाया हुआ था, ये इसके ऊपर मैं स्प्रेड कर दूं थोड़ा सा। और अब ये देखिए, ये दो प्याज है, ये मैं यहाँ रख देती हूँ, बाद में हम निकाल लेंगे। ये आप मत सोचिए कि क्यों इसमें डाले हुए, ये मैंने प्याज डाल दिया। ऐसा मैं होल इसलिए कर दिया कि अभी मैं इसमें जो दम तेल डालूंगी और अपने कलर्स डालूंगी वो अच्छे से हो जाए जब दम करूंगी। तो ये मैंने पहले डाल दिया ग्रीन, नाउ दिस वन ऑरेंज, सॉरी वो रेड था, और ये है येलो। ये हो गया मेरा। मैं आपको मेन जो हमारा प्रोसेस है वो दिखा दूं। कैन डोंट कम यहाँ, स्टे अवे। ये मेरा बहुत अच्छे से हो चुका है, मेरा कोयला भी हो चुका है। जल्दी मैं प्लेट ले लेती हूँ, इसी में मैं निकालूंगी। चिंता कहाँ गया। ये मैंने इसमें डाला कोयला। दूर हट जाओ कैन, दूर हट जाओ, स्टे अवे। देखिएगा ये हो गया हमारा ड्रम, इसे मैं थोड़ा दबा दूं कि स्मोक बाहर ना आए। चलिए इसे थोड़ा 5 मिनट के लिए मैं रख देती हूँ गैस में दम के लिए, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। आप ना कुछ ऊपर से इसमें रख दीजिएगा, जिससे क्या हवा बाहर नहीं निकलता। मेरे पास तो भारी चीज है नहीं, इसे मैं नहीं रख रही हूँ। एक चीज मैं डालना भूल गई, नींबू। ऊपर से थोड़ा नींबू काट के डालते हैं तो वो भी बहुत अच्छा लगता है, बट अभी डालने से चलो तो कोई नहीं, अभी डाल लेते हैं और आपको दिखा भी देते हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ इसमें कैसे। देखिए इसे हम बोलते हैं दम बिरयानी।
फिर ही मैं इसमें नींबू डाल दूं और फिर थोड़ी देर के लिए इसको रख देती हूँ। नमक आप बाद में भी चख के डाल सकते हैं अगर कम होगा तो। ये देखिए प्यारा लग रहा है ना। एक फोटो ले लेते हैं, एक फोटो ले लेते हैं अपन, एक फोटो ले लो। सो गाइस हम निकल गए हैं, इनका बर्थडे थोड़ा सा बाहर सेलिब्रेट कर लें। खाना तो हमने बना लिया है और जिनके लिए लाना था लेके भी आ गए हैं, हम उनके घर जाने वाले हैं। हो सकेगा तो मैं आपको उनसे मिलाऊंगी। बीमार इंसान हमारे कुरनाल भाई, जिनको खाना था अंडा बिरयानी, उनका घर आने वाला है ना उनका घर अभी। से इनको वो हैप्पी बर्थडे बोल दो। मैंने तो दो बार प्यार से बोला, ये कुछ नहीं बोले, पर जवाब नहीं दिए। हम सड़ू से मेरे हस्बैंड है, इनको वीडियो देखेंगे आप सब लोग तो प्लीज इनको विश करना हैप्पी बर्थडे। मेरे पति का हैप्पी बर्थडे है। कितने साल के हो गए आप? 37। हाँ बुढ़े हो गए, 37 के हो गए, और 3 साल फिर तो हो गए बुढ़े समझो। तो चलिए आ गया है उनका घर, तो हम मिलते हैं उन लोगों से। आ गया कुणाल भाई के घर का एरिया। आई थिंक आंटी बैठे हैं बाहर, आंटी बैठे हैं, चलिए हम मिल लेते हैं। हमारे कुणाल भाई, मैं बोल रही थी आपको मिलाने के लिए। कुणाल भाई सच में वीडियो बन रहा है, यूट्यूब पे डालेगा। कुणाल भाई छुप गए। और ये है बड़े भैया, बड़े भैया अभी बिजी है। ये रहे हमारी आंटी और पैरोट हमारा। ओ भाई शूज ही निकाला क्या? शूज निकालो। कुणाल भाई सच में अब लग रहे एकदम बीमारिया टाइप के आप, रियली। अब मैं डालूंगी ये वीडियो, जरूर देख लेना आप। क्या इधर जो लेके आओ उसको।